अभी हम स्पेस दर्शन करने वाले हैं अप्पू घर में। तो यहाँ पे आप प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारा इन्फो आप पा सकते हैं, और किड्स के लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो देखते कैसे एक्सपीरियंस रहता है हमारा। सो लेट्स गो इनसाइड। एक छोटा सा कदम। हम सभी ने वो कहानी तो सुनी ही होगी, मनुष्य के चांद पर रखे पहले कदमों की, पर हमारे आखिरी कदम कहां पर होंगे? दिसंबर 1972, दो अंतरिक्ष यात्री धातु से बने एक छोटी सी कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी की ओर लौटने की तैयारी में थे। अपोलो 17 के चालक दल में चांद पर कदम रखने वाले पहले वैज्ञानिक शामिल थे। अंतरिक्ष यात्रियों का खोज कार्य 3 से ज्यादा दिन तक जारी था। उन्होंने कई प्रयोग किए और उससे पहले हुए किसी भी मिशन से ज्यादा सतह का परीक्षण किया। इसी के साथ अपोलो प्रोग्राम संपन्न बने थे। वो अब बड़े हो चुके हैं और अब वो नाना परनाना भी हो गए हैं। अब सफर के लिए निकल पड़ी है यात्रियों की अगली पीढ़ी। अंतरिक्ष में मनुष्य का साहसी भ्रमण लेने से पहले हमने हमारे सामने खड़ी होने वाली संभावित चुनौतियों को समझने के लिए हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर वहां भेजे। ये अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में हमारी आंखों और कानों का काम करेंगे, हमारे नजदीकी पड़ोसी की जानकारी दिलाने में हमारी मदद करेंगे। हमारे शुरुआती मिशन में से एक रेंजर 9 ने जानबूझकर हताहत होने से चंद मिनटों पहले चांद के सतह की हजारों तस्वीरें यहां भेजी। उसने हमें पहली बार पहाड़ों और गड्ढों की विस्तृत तस्वीरें दी, जिनसे हमें उतरने के लिए अच्छी जगह ढूंढने में मदद मिली। सर्वेयर लैंडर्स और धीरे से नीचे उतरे। रेंजर्स का तो एक ही काम था, तस्वीरें खींचना, और सर्वेयर्स में रोबोटिक फावड़े तथा अन्य उपकरण थे। उन्होंने चांद किन चीजों से बना है ये ढूंढने के लिए पहली बार प्रयोग किए। उनके पश्चात हमने रोवर्स को भेजा। रूसियों ने सरफेस पर 2 लूनकार रोवर्स उतारे, जिनका वजन एक छोटी सी कार जितना था। पृथ्वी पर तैनात इंजीनियर्स ने उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से चलाया और चांद की जमीन की तस्वीरें ली और चांद की मिट्टी का परीक्षण किया। वैज्ञानिक आज भी इन ऐतिहासिक मिशन्स में पाई गई जानकारी और नमूनों का अभ्यास कर रहे हैं, पर इन शुरुआत में आए मेहमानों ने हमें सिर्फ उन विभागों के बारे में बताया जिन पर वो उतरे थे। और स्पष्ट चित्र पाने के लिए हमें चांद को उसकी कक्षा से देखने की जरूरत है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद की परिक्रमा में अंतरिक्ष यान भेजे हैं, और हाल ही में चीन, भारत और जापान ने भी भेजे हैं। परिक्रमा में इन अंतरिक्ष यानों ने चांद का मैपिंग किया है, उसकी जमीन पर मिले रसायनों का कैटलॉग बनाया है, और एक जगह से दूसरी जगह होने वाले गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म बदलावों का मापन किया है। चांद पर सफर करने वाला यात्री पृथ्वी से थोड़ा सा कम गुरुत्वाकर्षण महसूस करता है। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं उसका छठा हिस्सा।
चांद की गहराई से उठा भूकंप यात्री को पूरी तरह से हिला सकता है। छोटा सा चांद बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब वो महीने में एक परिक्रमा पूरी करता है, उसकी एक बाजू हमेशा पृथ्वी के सामने होती है। इसका मतलब है चांद की कई सारी जगहों पर 2 हफ्तों तक दिन की रोशनी होती है और 2 हफ्तों की रात होती है। सूरज की गर्मी को भांसने के लिए वातावरण की कमी होने की वजह से तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है और बाद में -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चांद के यात्री को तापमान में होने वाले इस विस्तृत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, पर चांद के हर एक हिस्से पर इन चरम सीमाओं का अनुभव नहीं होता। ध्रुवों के नजदीकी इलाके में कुछ पहाड़ों पर हरदम सूरज की रोशनी होती है और कुछ गहरे गड्ढों में हमेशा अंधेरा होता है। एल क्रॉस नाम का एक अंतरिक्ष यान इन्हीं अंधेरे गड्ढों का अध्ययन करने एक तरफा मिशन पर निकल गया। इस अंतरिक्ष यान के प्रहार के प्रभाव से करोड़ों बरसों से सूरज की रोशनी से छिपे हुए द्रव्यों का बादल निकल पड़ा। इस बादल के भीतर एल क्रॉस डिटेक्टर्स को शुद्ध बर्फीला पानी मिला। ध्रुवों पर पाया गया पानी चांद पर लोगों के जीवन के लिए मदद कर सकता है। हम पानी पी सकते हैं और उसका उपयोग अनाज के लिए भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में उसका विघटन भी कर सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट का ईंधन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चांद पर अन्य संपदा भी है, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, सोना और प्लेटिनम भी। ये हमारी पृथ्वी।